अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलना तो पड़ेगा आपको, जिंदा जलने में मजा आता है। करने से कुछ मत करो, चलिए प्लीज छोड़ दीजिए। बैठो चुपचाप बैठना अंदर। करण जी प्लीज बैठ बने, बैठ बने प्लीज। प्रीति जी प्लीज बैठ। करण जी वो सब मर जाएंगे, प्लीज ऐसे मत कीजिए। वो कुछ नहीं होना है, वो लोग मरे हुए लोग है पहले से। चुप करके बैठिए। करण जी प्लीज गाड़ी रोक लीजिए, वो लोग मर जाएंगे। करण जी मत कीजिए ऐसे प्लीज। वो लोग पहले से मरे हुए, आप टेंशन मत लो, आप चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। वो सनी वो बच्चा है, प्लीज ऐसे मत कीजिए। चलो चलो चंपा आगे बढ़ो, हमारा लल्ला किसी वक्त घर आ सकता है। क्यों परेशान हो रहे, सारी तैयारियां हो जाएगी अम्मा जी। हाँ जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, हाथ कटाओ जल्दी जल्दी। पागल करण का कोई भरोसा नहीं है, कहीं मेरा सबसे बड़ा डर सच ना हो जाए, इस शुभ शगुन वापस ना आ जाए। हेलो ओ जी, डर के मारे अपने नाखून चबाना बंद कर दो जी, मैंने अपना काम कर दिया है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने ना शुभ को जलाकर राख कर दिया, स्वाह हो गया वो। अब मेरे और प्रीति जी के बीच में कोई नहीं आ सकता। ओ यार मैंने पता था आप जैसा सांप ना कभी दूसरे पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए आपको मैंने एक वीडियो भेजा है, खुशखबरी है उसमें, देख लो। सेटिस्फाइड जी, अब मैं और प्रीति जी ना इतने दूर चले जाने हैं कि कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। अब प्रीति जी सिर्फ और सिर्फ करण की है। बाय बाय। अरे ये घर में खुद काम ना करो तो कुछ ढंग से नहीं होता। ये पंडित जी कहाँ रह रहे? फोन करके पूछता हूँ। हाँ लगा लगा। हेलो पंडित जी कहाँ हैं आप? अच्छा अच्छा अम्मा जी पंडित जी आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ सब मिल बांट के काम करेंगे तो हो जाएगा जल्दी। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। चंपा बैठो मत, जल्दी जल्दी करो। कि पापा को अचानक से क्या हो गया? पापा क्या हो गया आपको? आई मीन अपना प्लान फेल होने पर इतना खुश कौन होता है? पहले अपना मुंह मीठा करो, चलो। क्यों को पता ना शकुन आने वाली है, हमारा प्लान फ्लॉप होने वाला है। बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि करण अपनी शकुन को लेके उड़ंचो हो चुका है। तो भैया उनका क्या होगा? शुभ का क्या, वो प्यार में पागल पंछी अपनी शकुन को ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। अब तक मेरी बेटी इस जायदाद की मालकिन बन जाएगी। करण जी क्या करें? करण जी मुझे छोड़िए, करण जी छोड़िए मुझे। प्रीति जी होता है शादी के पहले परेशानी होती है, आप टेंशन मत लो, शादी होने के बाद कुछ नहीं होना। चलिए आप जो हमारे साथ ये कर रहे हैं ना,
भगवान आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, जेल में सड़ोगे आप। प्रीति जी आप मेरे बारे में इतना सोच रहे? अरे टेंशन मत लो, शादी होने के बाद ना सब रिश्ते बन जाने हैं और मैं आपको इतना दूर लेके जाऊंगा ना कि हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। आप चलिए आइए। पंडित जी आप छेती छेती करो, शादी करनी है तैयारियां कीजिए, चलिए जितनी साथ छोड़िए मेरा। शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें दो दिलों का गठबंधन होता है और जब तक दोनों पक्षों की सहमति ना हो यह विवाह नहीं हो सकता। तो आप भी शुभ सर की तरह डायलॉग मानने लगे, आपको फिल्मों में जाना, हीरो बनना आपको, और छेती छेती कीजिए, यहाँ पर सब सहमति आप चेक करिए। इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। पंडित जी मैं शादी नहीं करना चाहती। इनको देख के प्रतीत नहीं हो रहा आपको? ठीक है तो इसको देख के तो लगेगा आपको। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? वो गन है जी, गोली चला देनी है, सीधा कुरियर हो जाओगे भगवान के पास। प्लीज जल्दी कीजिए। ओ पंडित जी जल्दी छेती छेती करो ना आप, प्रीति जी उतावली हो रही है फेरों के लिए। नव्या ये लो तलाक के कागजात, साइन कर लो इन पे, मैं जाके युग के मुंह पे फेंक के आता हूँ, कम ऑन। तलाक? पर पापा शगुन के चौथ के बाद तो युग का वैसे भी कोई अता पता नहीं है, वो तो चेक करने भी नहीं आया कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई, फिर इनकी क्या जरूरत है? जायदाद हासिल करने से पहले मैं युग को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकना होगा, वरना वो तुम्हें परेशान करेगा और तलाक के लिए बहुत मोटी रकम मांगेगा। हाँ बेटा मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये लोग इतनी आसानी से मानने नहीं वाले, बहुत पैसे लेंगे और हो सकता है ये जानने के बाद कि तुम इस जायदाद के मालकिन बनने वाली हो वो तुम्हें तलाक भी ना दे। Come on, sign this. मुझे शुक्सर से अलग नहीं कर सकते। अच्छा जी ऐसी बात है? ओ जी प्रीति जी आज जन्म तो क्या, भगवान ने जितने भी जन्म लिखे ना उस सारे जन्मों में आप मेरी रहोगी। चलिए ये रहा, रस कर लीजिए। अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शगुन, शगुन, शगुन आके खोलो। शगुन, शगुन, शगुन। तुम ठीक हो ना? शुभ सर आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा मैंने आपको साथ हमेशा के लिए खो दिया। नहीं शगुन, जब तक शुभ के पास शगुन का प्यार है ना शुभ को कुछ नहीं हो सकता। शुभ सर वो सनी मामी जी निकी, चिंता मत कर वो पुलिस के पास, पुलिस को इसकी सच्चाई का पता चल गया और वो उन्हें उनके घर तक पहुंचा देंगे। तो आए, खेल तो तूने बड़ा अच्छा खेला है और भाई आदमी गलत चुन लिया तूने, वापस आऊंगा और अपनी प्रीति जी को ले जाऊंगा। बदला लेने का बहुत शौक है ना तुझे, चल अब तेरी पूरी जिंदगी हवालात में हवा खाते हुए गुजरेगी।
फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।